क्रिकेट आज के टाइम में ही नहीं, बहुत पहले से ही बच्चों बूढ़ों का फेवरेट स्पोर्ट्स रहा है। लोग इसे सेलिब्रेट भी करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। मेंस क्रिकेट टीम तो सभी की फेवरेट रही है, पर क्या आप वुमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बारे में जानते हैं? आज इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने भी काफी तरक्की करी है, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ फीमेल क्रिकेट प्लेयर्स को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा अपने सपने पूरे करने के लिए। कभी फैमिली सपोर्ट नहीं करती तो कभी चांस नहीं मिलता। तो आज हम बात करते हैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बेहतरीन प्लेयर स्मृति मंदाना के बारे में। स्मृति का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। जब वो सिर्फ 2 साल की थी, उनकी फैमिली संगली महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई और उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से कंप्लीट की। उनके पिता और भाई दोनों ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते थे। स्मृति अपने पिता और भाई से बहुत इंस्पायर होती थी, वो भी सुबह सुबह अपने पिता और भाई के साथ प्रैक्टिस करने जाती थी। स्मृति और उनके भाई दोनों ही राइट हैंडेड है, पर उन्होंने बैटिंग लेफ्ट हैंड से सीखी हुई है। इनके पिता ने दोनों बहन भाई को बचपन से ही लेफ्ट हैंड से बैटिंग की प्रैक्टिस करवाई। स्मृति 9 साल की उम्र से ही महाराष्ट्र अंडर 15 टीम में सेलेक्ट हो गई थी और 11 साल की उम्र में महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हो गई। स्मृति की फैमिली उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती थी। उनके भाई और उनके पिता का उनकी कामयाबी के पीछे बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। बात करें स्मृति के करियर की, तो वो सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने अक्टूबर 2013 में गुजरात के खिलाफ वनडे मैच में 150 बॉल पर 224 रन बनाए और वनडे दोहरा शतक लगाने वाली स्मृति पहली खिलाड़ी बनी। जिसके बाद 2016 में वुमेन्स चैलेंजर की ट्रॉफी में स्मृति ने इंडिया रेड की तरफ से खेला और खेलते हुए 3 हाफ सेंचुरी मारी। इसमें 62 रन की वो पारी भी शामिल है जो उन्होंने फाइनल में खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और इन्होंने 2016 में वुमेन्स बिग बैश लीग डील साइन की थी और उनके साथ हरमनप्रीत कौर ने भी ये डील साइन की थी और ये दोनों पहली इंडियन थी जिन्होंने ये डील साइन की थी। उसके बाद उन्होंने मेलबोर्न रेनगेट्स के खिलाफ खेला, लेकिन बॉलिंग करते टाइम उनके पैर पर चोट लग गई जिसकी वजह से स्मृति टूर्नामेंट से बाहर हो गई। उसके बाद स्मृति ने किया सुपर लीग साइन की और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन थी जिन्होंने इस डील को साइन किया था। बात करें स्मृति के इंटरनेशनल करियर की, तो स्मृति क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत की तरफ से खेल चुकी हैं। इन्होंने अपना T20 फर्स्ट डेब्यू 5 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के खिलाफ किया था और इन्होंने ODI डेब्यू 10 अप्रैल 2013 को बांग्लादेश के ही खिलाफ किया था। उसके बाद टेस्ट डेब्यू किया था 13 अगस्त 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ। 2017 में स्मृति सभी की नजरों में आ गई थी जब इन्होंने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 90 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 106 रन लगाए। नवंबर 2019 में ODI सीरीज के फाइनल मुकाबले में 74 रन की मैच विनिंग पारी खेलकर ODI क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली और वर्ल्ड की तीसरी फीमेल क्रिकेटर बनी। उन्होंने ये रन सिर्फ 51 मैच में बनाए। बात करें उनके टेस्ट करियर की, तो उन्होंने 4 मैच खेले हैं और 325 रन बनाए हैं जिसमें से 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी लगाई है और उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर है 127 रन। बात करें अगर उनके ODI करियर की, तो उन्होंने 77 मैच खेले हैं, उनका स्कोर रहा है 3073। उन मैच में उन्होंने 5 सेंचुरी लगाई है और 25 हाफ सेंचुरी लगाई है और उनका टॉप स्कोर रहा है 135। बात करें अगर उनके T20 करियर की, तो उन्होंने 113 मैच खेले हैं और 2661 रन बनाए हैं और 20 हाफ सेंचुरी लगाई है और उसमें उनका टॉप स्कोर रहा है 86। और अभी की बात करें, तो फरवरी 2023 में स्मृति को WPL में RCB ने खरीदा सबसे हाईएस्ट बिड 3.34 करोड़ लगाकर। उम्मीद है स्मृति आगे भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा खेलेंगी और ऐसे ही सेंचुरी हाफ सेंचुरी लगाकर इंडिया का नाम रोशन करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और वुमेन्स क्रिकेट टीम को भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।